आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। कन्नौज में डीजीजीआई टीम का कसा शिकंजा, पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी। पहले गेट से निकलकर दूसरे गेट तक पहुंची कैश मशीन, भारी मात्रा में कैश होने की आशंका। टीम ने नोटों की गिनती की शुरू। कन्नौज में डीजीजीआई टीम का कसा शिकंजा, पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी जारी। पहले गेट से निकलकर दूसरे गेट तक पहुंची कैश मशीन, भारी मात्रा में कैश होने की आशंका। टीम ने नोटों की गिनती की शुरू। बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पीयूष जैन पर शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है। कन्नौज में डीजीजीआई टीम ने एक बार फिर शिकंजा कसा है। पीयूष जैन के आवास पर छापेमारी लगातार जारी है। पहले गेट से निकलकर दूसरे गेट तक पहुंची है कैश मशीन। कन्नौज में पीयूष जैन के बेटे से पूछताछ जारी। डीजीजीआई की टीम दोनों बेटों को लेकर पहुंची कारखाने। दर्जनों चाबियों के साथ पहुंचे पीयूष जैन के दोनों बेटे। कटर से काटे जा रहे मकानों और कारखानों के ताले। कन्नौज में पीयूष जैन के बेटे से पूछताछ जारी। डीजीजीआई की टीम दोनों बेटों को लेकर पहुंची कारखाने। दर्जनों चाबियों के साथ पहुंचे पीयूष जैन के दोनों बेटे। कटर से काटे जा रहे मकानों और कारखानों के ताले। कन्नौज में पीयूष जैन के बेटे से पूछताछ जारी। डीजीजीआई की टीम दोनों बेटों को लेकर पहुंची कारखाने। दर्जनों चाबियों के साथ पहुंचे पीयूष जैन के दोनों बेटे। तो ये संभावना जताई जा रही है कि काफी कैश छुपा हो सकता है, अभी भी और कैश मिल सकता है। अलग अलग ठिकानों पर, कारखाने हो या फिर अलग अलग मकान हो, जितने भी ठिकाने हैं पीयूष जैन के, उनके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। कटर से काटा गया है ताला। चाबियों के साथ बेटों को लेकर उनके आवास और ठिकानों पर पहुंचा जा रहा है। दर्जनों चाबियों के साथ पीयूष जैन के बेटे पहुंचे। कटर से काटे जा रहे मकान और कारखानों के ताले। कन्नौज में पीयूष जैन के बेटे से पूछताछ जारी। तो बीते दो दिनों से ये सबसे बड़ी खबर बनी हुई है, जहां इतने पैसे और इतने नोटों की गड्डी देखने को मिली, जिसको देख के लोगों के होश उड़ गए। नोटों को देख के जब होश उड़ गए तो ये बात सामने आई कि यहाँ पे जीएसटी चोरी ही नहीं, कई अघोषित संपत्ति भी है। और जिसके बाद छापेमारी की गई, पैसा सारा निकल कर सामने आया। 170 करोड़ से ज्यादा का पैसा बताया जा रहा है, अघोषित संपत्ति बताई जा रही है। जीएसटी चोरी के मामले में जब छापेमारी की गई, कार्रवाई की गई, तो उसके बाद दीवालों ने पैसे उगले, इतने पैसे मिले। और इस खबर पे हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राम ऋषि जुड़ चुके हैं कन्नौज से। राम ऋषि, पहले कानपुर स्थित आवास पर छापेमारी हुई और अब कन्नौज में, क्या कहेंगे? जी मैडम, छापेमारी लगातार चल रही है और अधिकारी वगैरह हैं वहां पर, जो है ताले काट कर अधिकारी अंदर घुसे और उसके बाद जो है छापेमारी लगातार चल रही है। जी राम ऋषि, जो बेटे मौजूद थे, बेटों को लेके पहुंचा जा रहा है कारखानों पे और उनके मकानों पे ताले तोड़े जा रहे हैं, तो कितने कन्नौज में कितने इनके कारखाने और मकान मौजूद है, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे। लगभग कारखाने इनके लगभग 7 से 8 बताए जा रहे हैं और इनका जो लड़का है, बेटा है, उसको लेकर के हर जगह जो है ये अधिकारी लोग जा रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, लेकिन अभी कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि किस किस जगह पे अभी ये लोग पहुंचेंगे अधिकारी। जी तो कितने बजे से कन्नौज में ये कार्रवाई चल रही है? ये लगातार 3 दिन से कार्रवाई चल रही है। अभी सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि कई लोग कई जगह अभी छापेमारी हो सकती है। जी राम, हम ये भी जानना चाहेंगे कि कन्नौज में क्या इनके कोई रिश्तेदार भी रहते हैं जिनके घर पे छापेमारी होने की आशंका है? नहीं, इनके रिश्तेदार क्या मिलने वाले हैं, इनके परिचित हैं, उनके घर पर भी टीम गई थी और वहां पर भी छापेमारी चल रही है।
जी, तो क्या अभी तक कुछ बरामद हुआ है, क्या कैश मिला है कुछ भी, क्या अघोषित संपत्ति के कागजात कुछ भी बरामद हुआ है टीम को? नहीं, कैश भी मिला है और वहां पर मशीन जो पहुंची है कैश गिनने वाली वो भी पहुंची है और लगातार जो है उस पे छापेमारी चल रही है और पैसा भी मिल रहा है जी। लेकिन अभी कुछ जाना कहा नहीं जा सकता है जब तक जो है अधिकारी उस पे कोई बयान ना दे दें। जी, तो क्या अभी कोई ऐसी अपडेट सामने नहीं आई है कि कोई अनुमान जताया जा रहा हो कि यहाँ पे कितने पैसे मिले हैं या फिर कितने हो सकते हैं कैश देके कोई अनुमान? देखिए, अभी कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता है और अधिकारी जो है लगातार पैसों की गिनती कर रहे हैं, लेकिन जब तक अधिकारी अगर बयान ना दे तब तक उसमें कुछ बोला नहीं जा सकता है। और अभी हमारी जो है अधिकारियों से बात भी हुई है, बोले कि शाम को कुछ ना कुछ आपको अपडेट देते हैं। जी बिल्कुल राम ऋषि, एक खबर पे नजर बनाए रखिए और अपडेट हमें देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता राम ऋषि जुड़े थे। कन्नौज में नाइट कर्फ्यू की हुई शुरुआत, सभी ने नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा, आदेशों को पालन कराने के दिए दिशा निर्देश। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। कन्नौज में नाइट कर्फ्यू की हुई शुरुआत, एसपी ने नाइट कर्फ्यू का लिया जायजा, आदेशों को पालन करने का दिया दिशा निर्देश। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।